हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस ऑन कर लिया है और उस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, तो तेल जो है वो मैंने डाल दिया और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल दे रही हूँ। हींग जब अच्छे से हो जाएगा उसके बाद मैं उसमें एक चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ। एक और आधा चम्मच जीरा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसमें अब मैंने कटी हुई जो लहसुन है उसको डाल दिया है। और ये दो हरी मिर्च है जो मैंने इसको अच्छे से काट के रखा था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी टाइम के लिए चला देंगे। अब ये एक प्याज है जिसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, उसको भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसको मिक्स कर ले रहे हैं। अब प्याज को हमको हल्का ब्राउन होने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ब्राउन इसी स्टेज तक हमको प्याज को पकाना है। तो प्याज हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब ये भिंडी है जिसको मैंने धो के अच्छे से छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम भिंडी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया। तो सारे मसाले हमारे हो गए कंप्लीट। हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्जी बनाएंगे। ऐसी सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है आपको। तो 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हम इसको ओपन करके चेक कर रहे हैं। तो हमारी जो भिंडी है वो आधे से ज़्यादा पक चुकी है। अब इस स्टेज पे हमको भिंडी को ओपन करके ही पकाना है। अगर अभी हम ढक देंगे तो हमारी भिंडी जो है वो टूट सकती है। तो ओपन करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा पकाएंगे। सो अब हमारी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है। 2 से 3 मिनट हो चुका है इसको ऐसे ही पकते हुए। तो हमारी भिंडी अच्छे से पक गई है। अब इसमें ये जो कटी हुई हरी धनिया है वो मैं मिक्स कर दे रही हूँ, उसको भी अच्छे से चला के मिक्स कर दूंगी। तो हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।